मुद्दा क्या है सर? असल में हम लोग बार बार बात कर रहे हैं कि सत्यपाल मलिक जी ने जो मुद्दा उठाया उस पर चर्चा करो, पुलवामा के घटने में लापरवाही क्यों की गई इसकी चर्चा करो, हमारे जवानों की शहादत के लिए जिम्मेदार कौन है इसकी चर्चा करो, 5 एयरक्राफ्ट अगर मांगा जा रहा था उन जवानों को पहुंचाने के लिए तो 5 एयरक्राफ्ट क्यों नहीं मिला? जब भारत के प्रधानमंत्री 8,500 करोड़ का जहाज अपने लिए खरीद सकते हैं तो हमारे वीर जवानों के लिए 5 एयरक्राफ्ट उनकी जिंदगी बचाने के लिए क्यों नहीं दिया गया? सवाल ये उठ रहा है, सवाल उठ रहा है कि अडानी के साथ जो आपने महाघोटाला किया, मॉरिशस में एक पते पे 6 कंपनी खोलकर 42,000 करोड़ रुपए काला धन अडानी की कंपनियों में लगाया गया, इस पे जेपीसी बनाओ, सवाल ये उठ रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद 6-6, 8-8 कोल ब्लॉक नियमों के विपरीत जाकर अडानी को क्यों दे दिया गया? भारत सरकार के कानून के खिलाफ अडानी को कोयला की खदान क्यों दे दी गई? सवाल यह उठ रहा है कि एयरपोर्ट कैसे दे दिया गया, सीपोर्ट कैसे दे दिया गया, तमाम सारी संपत्तियां एक ही व्यक्ति के नाम नीलाम कैसे की जा रही हैं, उसको सौगात में कैसे सौंपी जा रही हैं? उस पर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं, उस पर कोई बातचीत करने के लिए तैयार नहीं। मुख्यमंत्री के घर को चर्चा का विषय बनाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, मुख्यमंत्री के घर को विषय बनाकर असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। और आज मैं भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा को सुन रहा था, अगर तुम में जरा भी नैतिक साहस है तो पूरे देश से अपने प्रधानमंत्री जी को बोलिए कि पूरे देश से हाथ जोड़कर माफी मांगे कि कोरोना के समय में चुनावी रैलियां करके कोरोना क्यों फैला रहे थे, कहां थे जब लोग चीख रहे थे? पूछे प्रधानमंत्री से अगर जरा सा भी नैतिक साहस है कि इस कोरोना के समय में जब लोग मर रहे थे तो आप 8,000-8,500 करोड़ का जहाज अपने लिए क्यों खरीद रहे थे? पूछे अगर जरा सा भी नैतिक साहस है कि 12-12 करोड़ की अपने इर्द गिर्द घूमने वाली कारें क्यों खरीद रहे थे उस वक्त जब लोगों की जान जा रही है?